हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और हम लोगों ने कल से शुरू किया हुआ है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका हमने पार्ट वन कर लिया है। आज हम पार्ट टू करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सही कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ का जो समझौता था वो संपन्न किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ, 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कब कहा गया और किसने कहा, किस अधिवेशन में कहा था। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन रहा था, बाल गंगाधर जी का स्टेटमेंट है क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, 1916 लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे और अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जब 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जब सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे कहाँ थे, वे जेल में थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, सर सैयद अहमद ने कहा कि जो कांग्रेस आंदोलन था ये लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था और ना ही कोई ये सोचा गया था, ना ही इसे योजनाबद्ध किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हैं, कुछ कथन्स हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे नए क्वेश्चंस की। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की तो वह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा, वह स्वतंत्रता सेनानी, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, जब स्वतंत्रता मिल गई तब सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता के बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए
उनके सहयोग हेतु चुना गया। ठीक है, नया संविधान लिखने के लिए किसे चुना गया? एनसी केलकर तथा आईबी सेन को। ठीक है, किसे? एनसी केलकर और आईबी सेन को। ये किस अधिवेशन का है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया। किन्हें चुना गया? एनसी केलकर और आईबी सेन को। कांग्रेस का एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया। ठीक है, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, तो गवर्नर जनरल का नाम और अधिवेशन का स्थल पूछा गया है। बता, अधिवेशन स्थल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, और अधिवेशन स्थल था बंबई 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, और ये कहाँ हुआ था? बंबई 1915 में। डेट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की, तो वो कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सी विजय राघव चेरियार। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? चितरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है। ठीक है, तो पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ठीक, क्या? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। आप ऐसे भी याद करते हैं, एम एस जे वी। एम से महात्मा गांधी, एस से सरोजनी नायडू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई, तो बेलगांव अधिवेशन 1924। इसको आप स्टार बना लीजिएगा, इसमें पहले से ही बना हुआ है, आप इसमें स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन था। कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैचिंग है, एक तरफ सूची दी हुई है, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के अध्यक्ष स्थान, सॉरी। तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी दो मिनट ले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैचिंग, मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 में अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू ने कानपुर से अध्यक्षता की 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई, और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो लखनऊ अधिवेशन में यह स्टेटमेंट दिया है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना सपोर्ट बनाएं, इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।